तो आज करते हैं व्हाट आई ईट इन अ डे, बट जरा डिटेल में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग न्यूज भी आपके साथ शेयर करनी है। सो एज पर माई रूटीन, सबसे पहले मैंने पिया 2 ग्लास गर्म पानी। आई एम प्लानिंग टू गो टू द सोसाइटीज जिम फॉर वर्कआउट। It's almost 8:30 now, so I will go for the workout. But before that, the dry fruits, which I have soaked overnight. सुबह ही अगर आप आपके एक्टिव वेयर में रेडी हो जाते हो तो वर्कआउट करना काफी आसान हो जाता है। सिंगापुर में 2 तरीके के घर होते हैं, HDB और कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम इज अ प्राइवेट हाउसिंग जिसमें सारी फैसिलिटीज जैसे जिम, स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, ये सब कुछ कैंपस के अंदर ही होता है। तो घर से निकल के बस 5 मिनट में मैं पहुंच गई जिम में। आज मैंने डिसाइड किया टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब भी आप ये 2 साथ में करते हो, मेक श्योर दैट यू डू द कार्डियो फर्स्ट। सो आई स्टार्टेड विद अ 25 मिनट्स वॉक ऑन द ट्रेडमिल और उसके बाद मैंने शिफ्ट किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। इसमें भी मैंने अल्टरनेट लोअर एंड अपर बॉडी एक्सरसाइजेस किए टू अवॉइड द फटीग एंड गेट अ वैरायटी। वन थिंग आई लव अबाउट डूइंग एक्सरसाइज, जितने भी टाइम आप करते हो 45 मिनट्स, 1 घंटा, उतने टाइम के लिए आप पूरी दुनिया भूल जाते हो। नो थॉट्स, नो वरीज, ना कुछ याद आता है, जस्ट यू एंड योर एक्सरसाइज फॉर योर ओन बेटरमेंट। और आज आपके साथ शेयर करने की खुशी में शायद मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे वर्कआउट कर लिया एंड देन आई हेडेड बैक होम। और जब भी मुझे ये झूला खाली मिलता है, आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ी देर झूला झूल के मैं आ गई घर। It's 10:30 now, time to make some breakfast. ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पनियारम। ये इडली वाला ही बैटर है, बस राइस थोड़ा कम और मिक्स लेंटिल्स डाले हैं और ढेर सारे वेजिटेबल्स। एंड बिकॉज इट इज फर्मेंटेड, इट इज गुड फॉर योर गट हेल्थ एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड लेंटिल्स गिव्स यू द कंप्लीट प्रोटीन। सो इट्स 11 नाउ एंड आई एम ईटिंग माय ब्रेकफास्ट। टू गुड। Have you ever eaten panyaram with achar? Try it once. It's just delicious. You all have witnessed my fitness journey. I started it almost a year ago. और उसमें मैंने जो भी किया है, it has helped me to develop a routine. So even if I'm doing a weight loss regime or not, मेरा breakfast या first meal around 10:30, 11 ही होता है. All right, breakfast done, and now it's time to eat these 2 tiny little mandarins. Today, I want to share an important life update with you all. तो 1.5 साल पहले जब मैं SD shift हुई थी, तो नई जगह, no friends, no social circle, no job. I had recently lost both my parents. तो लोनलीनेस और इतनी सारी चीज़ें लाइफ में अचानक से हो गई थी। आई लिटरली वेंट इन टू डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, दिन पूरे के पूरे रोते रोते निकल जाते थे। और इसी इमोशनल मेंटल स्ट्रेस में, ट्रॉमा में, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। ऑलमोस्ट 81 kg तक मैं पहुँच गई थी, यू कैन सी द पिक्चर हियर। तो माई हस्बैंड लिटरली फोर्स्ड मी के घर के सामने एक जिम है, माधुरी वहाँ पे ज्वाइन कर लो, यू विल हैव सम गुड टाइम। तो जस्ट बिकॉज ही फोर्स्ड, मैंने वो जिम ज्वाइन कर ली। बिल्कुल घर के एग्जैक्ट मेरे सामने है, आई जस्ट हैव टू क्रॉस द रोड एंड आई रीच द जिम। तो कन्वीनियंट था, तो मैंने जिम जाना शुरू किया। धीरे धीरे 1 किलो 2 किलो जब लूज होने लगा, तो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ने लगा। तो आई ऑलवेज हैड दिस यूट्यूब चैनल एंड आई थॉट के क्यों ना मैं मेरी जर्नी मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। And then it just started. I started doing my workouts regularly. I kept posting it on YouTube. और आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे support दिया है, response दिया है। तो इस पिछले almost 1 साल में मैंने 10-11 किलो वजन मेरा कम कर लिया। So while I was posting all this on YouTube, तो मुझे काफ़ी सारे questions आते थे regarding workout, regarding food, मैं क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। Some people used to suggest, some people used to ask questions. तो इस journey में मैंने सोचा कि anyways मैं मेरा journey आपके साथ share कर रही हूँ, और मुझे जब कोई सवाल पूछ रहा है, so I should know the correct and scientific answers to these questions. और ये सोच के मैंने एक डिप्लोमा शुरू किया। द डिप्लोमा वॉज इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जब भी मैंने काफ़ी बार ये मेरे शॉर्ट्स में भी शेयर किया था दैट आई वॉज स्टडिंग एंड मेनी ऑफ यू हैड आस्क्ड मी कि आप ये क्या पढ़ रहे हो।
So today I want to tell you all that I have completed the diploma in health and nutrition और आपकी बहन आपकी दोस्त बन गई है एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल कोच. यस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट. आप लोगों ने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया है. कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे लिटरली फील लाइक फैमिली एट टाइम्स, द वे दे सजेस्ट, द वे दे अप्रिशिएट मी. सो थैंक यू सो मच. एंड आई ऑल्सो हैव वन मोर थिंग. आई रिसेंटली रिसीव माई फर्स्ट एवर PR पैकेज ऑल्सो, जिसको मैं थोड़े दिन में ही इसको मैं रिव्यू करूँगी, इसका अनबॉक्सिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी. सो येस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ अपडेट. हियर आई एम न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल कोच. तो अभी 2:30 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है मेरा. लंच टाइम पे मोस्टली मैं घर पे अकेली होती हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में और बेटी स्कूल में होती है. तो लंच टाइम का मेरा मोस्टली मेन्यू होता है सैलड्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस. एक तो बहुत आसान है बनाने में, जल्दी से बन जाते हैं, हार्डली एनी कुकिंग इज इन्वॉल्व, और एक ही चीज में आपको सब कुछ मिल जाता है, लाइक ऑल योर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इन वन डिश. सो लेट्स मेक द सैलड. तो ये सैलेड मैं बना रही हूँ मूंग स्प्राउट्स का, और इसके साथ में जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हो. मुझे ना सैलेड्स में एप्पल्स बहुत पसंद है, सो आई एम एडिंग एप्पल्स. उसके बाद में एक क्यूकम्बर, हाफ अ टमेटो. इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, बिट ऑफ पेरी पेरी स्पाइस, अ गुड स्क्वीज ऑफ लेमन, मिक्स इट वेल, और ना इसमें एंड में एक चीज डालते हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मखाने. ये मैंने घी में इसको थोड़ा रोस्ट करके रखा हुआ है. एड दिस टू योर सैलेड. इसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही जाएंगे, बट इसका टेस्ट एक ना अलग ही लेवल पे एनहांस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्रंच ऑफ दीज मखानास. All right, the salad is ready. Each bite will give you a burst of flavors in your mouth. Give it a try. लंच के बाद मैंने थोड़ा अपना और थोड़ा घर का काम किया, और उसके बाद मैं ड्राइंग करने बैठ गई वाइल वॉचिंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज. जब तक मैंने किया नहीं था, आई नेवर न्यू दैट फॉलोइंग एन आर्ट फॉर्म कैन बी सो हीलिंग एंड रेजुविनेटिंग. एक पूरी की पूरी बुक मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है इस मंडला और डूडल आर्ट फॉर्म से. इट्स ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ एक्टिव रेस्ट. और जैसे 5 बज जाते हैं, चाय की याद अपने आप आ जाती है, और चाय का ना मेरा एक स्पेशल मसाला भी है. अगर आपका भी कोई मसाला हो सीक्रेट तो मुझे जरूर बताना. Trust me, I do not mind consuming those empty calories as chai is an emotion, not just a beverage. और ये चाय इस खूबसूरत नज़ारे के साथ पीने मिले तो और क्या चाहिए जिंदगी में. Evening walk is my favorite time of the day, not for exercise but some time to unwind, enjoy the evening breeze with my husband after his hectic work day. So ek 45 minutes ke walk ke baad main ghar aa gayi and then I started preparing dinner. Mostly walk par jaane se pehle dinner ki aadhi taiyari main kar leti hu. To aaj main bana rahi hu dal dhokli. Ye mere gujarati friends ne mujhe sikhaya hai. It's made of dal, gehu ka aata and moongfali, aur iska jo signature hai wo hai uska tadka aur imli aur gud se aane वाला खट्टा मीठा टेस्ट. डिनर इज रेडी, लेट्स ईट. लास्ट ग्लास ऑफ हॉट वाटर फॉर द डे. सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट आई डू इन अ डे. गुड बाय.